गिरावट है। एक इंडस इंड बैंक आप लोगों ने देखा होगा, इंडस इंड बैंक, ठीक है, उसमें भी गिरावट है, लेकिन उसमें एक खामी क्या है, वो कंपनी ने कुछ घोटाला किया। क्या घोटाला किया कोई बता सकता है? अभी हाल फिलहाल में उसने कुछ घोटाला किया है। क्या किया है मालूम है? एक विसल ब्लोअर की कंप्लेन आई थी। विसल ब्लोअर ने यह बताया कि यह कंपनी ने अपने मन से जिसको लोन चाहिए नहीं चाहिए, किसी को लोन चाहिए होता है किसी को नहीं चाहिए होता है, तो जिसको नहीं चाहिए उसको भी दे दिया इन्होंने लोन, बोला भैया रखो, जबरदस्ती उनके हाथ में भी लोन थमा दिया। और ये जब कंप्लेन हुई ना, उसके बाद में आरबीआई के पास गई कंप्लेन, और ये सब क्वेश्चन उठने लग गए, और उसके बाद में कंपनी ने क्लियरिफिकेशन दी। बीएससी की वेबसाइट पे आप जाओगे ना, तो बीएससी की वेबसाइट में अनाउंसमेंट्स होते हैं, वो भी क्रिटिकल होते हैं। तो ये एक क्या एक कंपनी के मतलब मोरल पे सवाल उठता है। अगर किसी कंपनी के मोरल पे सवाल उठ जाए ना, तो फिर वो कंपनी का स्टॉक मार्केट में बर्बाद होना मतलब बहुत आसान है। मोरल पे क्या सवाल उठा कि ये भैया अपना ग्रोथ दिखाने के लिए लोन को ऐसे ही बांट दी, आगे देने वाला है या नहीं देने वाला है? बंदा सामने वाला हो सकता है ना, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, डिफॉल्ट करने में आजकल लोग माहिर है, तो हो सकता है डिफॉल्ट हो जाए, उसके पास हो सकता है मॉर्गेज के लिए भी कुछ ना दिया हो, उसको तो ऐसे ही लोन मिल गया है। तो वो क्या कर रही है, अब वो क्लेरिफिकेशन दे रही है कि हम जाएंगे और जिनको जरूरत होगी उनको ही ये लोन दिया जाएगा, बाकी सबसे वापस ले लिया जाएगा। तो ये सब जो कमी होती है ना, ये कंपनी स्पेसिफिक हो जाती है, और ये कंपनी स्पेसिफिक जब होती है ना, तो उसके बाद में उसमें सबसे पहले चार्ट में आपको दिखाई देगा। अभी अगर आप इंडसइंड बैंक का चार्ट देखोगे ना, जिस दिन ये न्यूज आई ना, उस दिन से लगातार कंटिन्यूअस वे में ये नीचे ही गिर रहा है। एक काम करते हैं, वो भी देख लेते हैं। अगर किसी भी चार्ट को आपको देखना हो ना, और फ्री में देखना हो, तो ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, in.investing.com। ये फ्री में वेबसाइट है, इसमें आप अपने हिसाब से जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं ना, वो सब इसमें डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, इस दिन देखिए वो न्यूज आई थी, इस दिन ये जो गैप डाउन ओपन हुआ ना, यहां पे वो न्यूज आई थी। ये कैंडल आप लोग देख पा रहे हैं क्या? यहां पे देखिए, ये कैंडल थी, वो इसी दिन वो न्यूज आई थी। हालांकि क्लेरिफिकेशन काफी दिए बैंक ने, लेकिन वो आप भी अगर सिंपल लॉजिक से सोचोगे तो ये एक बहुत बड़ी खामी थी कि नहीं, और उसको कवर अप करने की कितनी भी कोशिश करे बैंक, वो कवर अप नहीं हो सकती। तो यहां से जो इसका डाउनफॉल शुरू हुआ ना, फिर इसने कहीं स्टॉप ही नहीं किया हर जगह। हालांकि मार्केट वीक है, तो वीक मार्केट में जब ऐसी न्यूज रहती है, तो जो सबसे ज्यादा वीक होता है ना, उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तो 1185 रुपए का भाव था, लगभग 1100 रुपए समझ लीजिए, 1100 रुपए के भाव से अभी 883 के लेवल्स पे है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी इसमें, आप एक चीज नोटिस करो ना, मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं देखना है ना, तो सिंपल सा आप एक चीज नोटिस करोगे ना, ये 200 डीएमए की जो एवरेज थी ना, ये दिखाई दे रही ना येलो लाइन, सिर्फ क्लियर नहीं दिख रही है येलो लाइन है, क्लियर नहीं कलर दिख आप रही तो अगर चेंज चेंज कर करो। देते इसका हाँ कलर। अब दिख रही है, ब्लू हाँ सर लाइन अभी कर दिया दिख रही मैंने, दिख रहा है ना? तो ये ब्लू लाइन का सपोर्ट जैसे ही टूटे ना, समझ लो इस कंपनी में कुछ ना कुछ, मतलब अगर सिर्फ आप चार्ट देख रहे हो तो आपको कॉशियस हो जाना है।